इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना का एक और टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक में आप सीखेंगे कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, इसे कैसे फाइंड करें। लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और एक या दो मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक ठीक से समझ लिया है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ये कभी नहीं भूलोगे पूरी जिंदगी में। तो मैं आपको समझाता हूं ये सब। देखो माय डियर, सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या एक किस्म से सबको, जैसे क्लास में रोल नंबर मिलता है बच्चों को 1, 2, 3, 4, ऐसे ही परमाणु संख्या होती है। वो एक किस्म से जितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनका रोल नंबर है। तो परमाणु संख्या कौन निर्धारित करता है कि भाई किसका रोल नंबर 1 होगा, किसका रोल नंबर 2 होगा। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1 और हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2। तो कौन इसे निर्धारित करता है, कौन इसे डिटरमाइन करता है? तो यह करता है प्रोटोनों की संख्या। इसका मतलब यह है कि अगर आपको प्रोटोनों की संख्या पता है तो परमाणु संख्या और ये दोनों बराबर होते हैं। तो यानी सबसे पहला जो आपको ये समझना है वो ये है कि परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या। तो जिसमें जितने प्रोटोन होंगे उतने उसकी परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या का जो सिंबल है वो होता है Z, याद रखना, और द्रव्यमान संख्या का सिंबल होता है A, इसे याद रखना, ठीक है। प्रोटॉन P, इलेक्ट्रॉन E और न्यूट्रॉन को मैं N से संबोधित करूंगा जिससे लिखने में थोड़ा आसानी रहे। तो परमाणु संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या, ये पहला रूल याद रखना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या है, इसके लिए आप परमाणु को देखो। परमाणु क्या होता है? परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, यह नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों ओर घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है। ये समझ लो कि मान लो कि पूरा केक है, जैसे ये केक है, अगर केक में मैंने बगल में थोड़ा सा एक बादाम रख दिया या कुछ चीज रख दी, एक छोटी सी चीज रख दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि केक का वजन बढ़ गया है। अगर केक का वजन मान लो 2 किलोग्राम है और मैंने यहाँ पे 1 ग्राम की कोई चीज रख दी, तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि 2 किलो 1 ग्राम है, हम सिंपली 2 किलो का केक ही बोलेंगे अगर ऊपर से कुछ सजाने के लिए रखते हैं वो। तो उनका जो द्रव्यमान है उनका वजन इतना काउंट नहीं करते हैं हम कि भाई उसने ऊपर से एक कुछ नाम लिख दिया है, हैप्पी बर्थडे या वो लगा दिया है तो इसका वजन बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो द्रव्यमान होता है ये नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। हम बस केक का ही देखते हैं कि 2 किलो। इसी प्रकार से जो परमाणु होता है उसमें जो द्रव्यमान होता है मेन उसके नाभिक का होता है। इलेक्ट्रॉनों का तो इग्नोर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत हल्का होता है इसलिए हम उनको इग्नोर करते हैं। इसी वजह से जो द्रव्यमान संख्या है उसमें केवल ये दो चीजें होती हैं। तो जो द्रव्यमान संख्या है यानी A, ये होता है प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये आप याद रखना। तो जब भी बात करते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या है तो आप ये याद रखना कि द्रव्यमान होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि दोनों नाभिक में होते हैं और इसलिए उनको मिलाएंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। और एक और बात है, वो क्या है? जो परमाणु होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यानी जो परमाणु है उसका जो आवेश होता है, उसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है। अब ये तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो पूरे को 0 बनाने के लिए जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव होने चाहिए, यानी जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही वजह है
कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक परमाणु की बात कर रहा हूं, मैं आयन की बात नहीं कर रहा हूं, आयन में इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं परमाणु की। तो जो एटम है, परमाणु मीन्स एटम, तो जो एटम है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखना। तो अब इससे क्या होगा, आपको क्या मिल गया है कि जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसी एटम में, परमाणु में। और अगर मैं बात करूं द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या किस वजह से होती है, ये जो द्रव्यमान है, जो उसका भार है, जो उसका मास है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, और फाइनली अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है Z और A, यानी परमाणु संख्या दी है और द्रव्यमान संख्या दी है, आपसे पूछा है कि कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई प्रोटॉन होते हैं द्रव्यमान, ये सॉरी परमाणु संख्या के बराबर, यानी प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन के बराबर, तो जितना जेड होगा उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जो न्यूट्रॉन है वो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, यहां पे जो मास नंबर है यानी द्रव्यमान संख्या, इसमें क्या है, जो मास है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, जो परमाणु संख्या है यानी एटॉमिक नंबर उसमें केवल और केवल प्रोटॉन है। तो आप यहां पे ढंग से देखो, अगर हम प्रोटॉन जो है, मतलब देखो ये तो दोनों को मिला के है और ये केवल पी है, तो अगर इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो प्रोटॉन यहां हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और जेड बराबर है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो प्रोटॉन यहां से हट जाएगा और न्यूट्रॉन आ जाएगा ए माइनस जेड, इस तरह से है। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इसमें, यानी आपके पास इस तरह से दिया होगा, इसमें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए क्या है। देखिए माय डियर, जब भी इस तरह से लिखा होता है, मान लो कि कोई भी ये एलिमेंट है और इसमें लिखा होता है कुछ यहां पर यहां पर, तो देखो जो यहां पर लिखा होता है वो होता है जेड और यहां पर लिखा होता है वो होता है ए, ठीक है। तो ये है परमाणु संख्या और ये है द्रव्यमान संख्या, तो इसी वजह से जो ये यहां पे लिखा है 92 यूरेनियम 235, तो इसमें जो ये है ये परमाणु संख्या होती है, संख्या, और ये होता है द्रव्यमान संख्या, और अगर हम, अब देखो हमें अब ये तीनों निकालने हैं, तो प्रोटॉन क्या होगा, तो आप जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, क्योंकि परमाणु संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या है, आई मीन टू से प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या है, ठीक है ना। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही, यानी प्रोटॉन हो जाएंगे परमाणु संख्या के बराबर, वो है 92। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है और ये भी 92 आ जाएंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, तो आप जानते हैं कि अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें यानी ए माइनस जेड, तो वो न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी 235 माइनस 92 और ये हो जाएगा 143। अगर ये नहीं समझ आ रहे तो आप इतना तो जानते होंगे कि जो द्रव्यमान संख्या है, यानी जो द्रव्यमान होता है किसी भी परमाणु का, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन से मिलकर और न्यूट्रॉन से मिलकर। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं इसलिए वो द्रव्यमान में नहीं आते हैं। तो ए है 235, प्रोटॉन है 92 और आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो आप इस तरफ माइनस कर लो, बात वही है, तो भी 143 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह से आपके पास दिया होगा तो यानी ये ऐसा है, ये परमाणु संख्या है और ये द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में द्रव्यमान संख्या दी है और न्यूट्रॉनों की संख्या दी है, हमें ज्ञात करना है परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो अब यहां पे मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करो और इसको पहले ट्राई करो और बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो माय डियर,
जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो दो चीजों से बनता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो जो द्रव्यमान संख्या है इसका सिंबल ए होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉनों का सिंबल एन होता है। तो आप जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलकर बनती है। ये आप समझ चुके हो, ये बार बार ये ध्यान रखना, ठीक है, बार बार ये सामने आ रहा है। तो जो द्रव्यमान किसी परमाणु का होता है इसमें दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये है 23 और न्यूट्रॉन है 12, तो इससे आ जाएंगे प्रोटॉन। तो ये इस तरफ जाएगा तो 23 - 12 यानी प्रोटॉन आगे 11, प्रोटॉनों की संख्या आ गई है 11, तो हमारा ये आंसर आ गया है 11। अब आप जानते हैं कि जो परमाणु संख्या होती है ये प्रोटॉनों की संख्या ही इसको निर्धारित करती है। तो जितना प्रोटॉन है उतनी परमाणु संख्या है यानी 11, तो परमाणु संख्या भी होगी 11। और आप ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉनों के बराबर होते हैं, क्योंकि परमाणु को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी विद्युतीय रूप से उदासीन होना होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल होना चाहिए, तभी जो परमाणु है वो उदासीन होगा। और इसलिए जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है और ये 11 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आ गया है, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में परमाणु संख्या दी है, परमाणु संख्या का सिंबल जेड होता है, तो परमाणु संख्या दी है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी दी है और हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो हमें द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है और आप जानते हैं कि द्रव्यमान किस किस वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है और न्यूट्रॉनों की वजह से होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं अब वो भी हमें पता नहीं है, तो उससे पहले प्रोटॉन निकालते हैं। आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु संख्या के बराबर होता है, परमाणु संख्या 19 है तो प्रोटॉन भी 19 होंगे। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या को यहां पर रखेंगे तो 19 और जो न्यूट्रॉन है ये 21, तो यानी ये कुल मिला के हो गए 40। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 19 आ गए हैं, तीनों के आंसर आ गए हैं, ये 40 है, ये 19 है और ये भी 19 है, सिंपल। तो यहां पे आप देखिए ये है नाभिक और इसके चार ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। यहां पर दिया है परमाणु संख्या, तो आपको पता है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों के बराबर होती है, यानी इसमें जो है 19 तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 21 है, तो 21 न्यूट्रॉन है। अब जो पूरा नाभिक होता है वो उसका द्रव्यमान होता है, तो जो द्रव्यमान संख्या है वो इनको प्लस करके आ जाएगी यानी 40। इसके चार ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉनों के बराबर है और ये भी 19 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, अपने क्वेश्चंस भी आप उसमें लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।